19 महत्वपूर्ण किचन टिप्स, ध्यान रखने योग्य जरूरी बातें। नंबर एक, अपने जंग लगे कच्चे लोहे को साफ करने के लिए आलू का उपयोग करें। आप इस ट्रिक का उपयोग अन्य जंग लगी चीज़ों पर भी कर सकते हैं। यहाँ बताया गया है कि यह कैसे काम करता है। आलू को आधा काटें, कटे हुए सीरे को डिश सोप या बेकिंग सोडा में डुबोएं और जंग लगी जगह पर रगड़ें। अगर आलू का सीरा चिकना हो जाए तो उसे काट लें और फिर नए कटे हुए सीरों को डुबो दें, जंग हटने तक दोहराएं। नंबर दो, नल के ताले खोलने के लिए सिरके का प्रयोग करें। यदि आप जहां रहते हैं वहां कठोर पानी है तो आपके रसोई घर के सिंक या यहां तक कि आपके शावर हेड का नल भी समय समय पर बंद हो जाता है। बस नल को सिरके में भिंगोएं और फिर पानी चलने दें, यह अपने आप साफ हो जाएगा। नंबर तीन, नाली में कुछ डिश सोप छिड़के। आपकी नाली थोड़ी धीमी लग रही है, वहां थोड़ा सा डिश सोप छिड़के और गर्म पानी चला दें। डिश सोप को ग्रीस को काटने के लिए तैयार किया जाता है। आमतौर पर वह ग्रीस आपके बर्तनों और कुकवेयर पर होता है, लेकिन यह आपकी नाली या पाइप में भी जमा हो सकता है। नंबर चार, अपने सफाई कैंडी में एक स्टीमर जोड़ें। तकनीकी रूप से आपके कपड़ों की झुर्रियां हटाने के लिए बनाया गया स्टीमर गंदे स्टोव, कैबिनेट, दरवाजे और अन्य चीज़ों को तुरंत साफ करने में भी मदद कर सकता है। नंबर पाँच, कूड़ेदान में बदबू दूर करने के लिए एक कॉटन बॉल लें। इसे आवश्यक तेल में भिंगोएं और इसे अपने कूड़ेदान में डाल दें। यह एक आसान और सस्ता गंध निवारक है जो आपके कूड़े को बहुत अधिक तीखा होने से बचाता है। नंबर छः, स्टेनलेस स्टील सिंक को आटे से पॉलिश करें। यदि आपके पास स्टेनलेस स्टील सिंक है तो इसके लिए आप जो सबसे अच्छी चीज़ कर सकते हैं वह है इसे आटे से पॉलिश करना। सिंक को धोएं और सुखाएं। पूरी सिंक पर आटा छिड़कें और फिर बफिंग शुरू करें। आपको यह देखकर आश्चर्य होगा कि धातु कितनी चमकीली हो जाती है। नंबर सात, अपने डिश वॉशर में एक जालीदार लॉन्ड्री बैग का उपयोग करें। अगली बार जब आप डिश वॉशर चलाने जाएं तो उन सभी छोटी वस्तुओं को इकट्ठा करें। पानी की बोतल के ऊपरी हिस्से, छोटे भोजन भंडारण कंटेनरों के ढक्कन आदि और उन्हें एक जालीदार कपड़े धोने वाले बैग में रखें। बैग छोटी और नाजुक वस्तुओं को बाजार में खोने से बचाता है। नंबर आठ, अपने डिश वॉशर में एक कटोरी सिरका मिलाएं। यदि आप कठोर जल वाले क्षेत्र में रहते हैं तो अपनी डिश वॉशर में दाहिनी ओर ऊपर की ओर एक कटोरी रखें और उसमें थोड़ा सा सिरका डालें। डिश वॉशर चलाएं, सिरका उस कठोर पानी से निपटने में मदद करेगा जिससे आपके बर्तन बेदाग दिखेंगे। नंबर नौ, अपनी चांदी को एल्युमिनियम फॉइल से साफ करें। यहाँ आपको क्या चाहिए? एल्युमिनियम फॉइल से ढका हुआ एक ग्लास बेकिंग डिश या एक एल्युमिनियम बेकिंग डिश, बेकिंग सोडा, नमक और उबलता पानी। कलंक को हटाने के लिए विज्ञान परियोजना जैसी प्रतिक्रिया तुरंत शुरू होनी चाहिए। हालांकि भारी कलंकित टुकड़ों को थोड़ी देर और भिंगोने की आवश्यकता हो सकती है। नंबर 10, अगर आपके कॉफ़ी मग पर जिद्दी भूरे दाग है जो निकलना नहीं चाहते, बेकिंग सोडा अजमाए। अपने दाग लगे कप के तल पर बेकिंग सोडा छिड़के पेस्ट बनाने के लिए पर्याप्त पानी डालें और रगड़ें। बेकिंग सोडा के हल्के घर्षण से कुछ ही मिनटों में दाग से छुटकारा मिल जाएगा। फिर बस वैसे ही धोएं जैसे आप आम तौर पर करते हैं। नंबर 11 है, बेकिंग सोडा और नींबू के रस से सिंक की दुर्गंध को दूर करें। अपने पाइपों को गंदी और बदबू से मुक्त रखने के लिए अपनी नाली को गर्म पानी से धोएं, फिर धीरे धीरे एक कप बेकिंग सोडा डालें। इसे लगभग एक कप नींबू के रस के साथ समाप्त करें और फिजी रासायनिक प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा करें। नंबर 12 है,
अपने डिस्पोजल को सिरके और नींबू के बर्फ के टुकड़ों से साफ करें। यदि आपके सिंक में कभी भी बदबू आ रही है और आपके पास डिस्पोजल है तो सफ़ेद सिरके से बर्फ के टुकड़े और नींबू के छोटे टुकड़ों का एक गुच्छा बनाएं, नाली में एक या दो डालें और अपना डिस्पोजल चलाएं। यह एक त्वरित दुर्गंध नाशक है। नंबर 13, अपने अवन को डिशवॉशर टैबलेट से साफ करें। साधारण डिशवॉशर टैबलेट का उपयोग सिर्फ बर्तन साफ करने के अलावा और भी बहुत कुछ के लिए किया जा सकता है। हम इसे अवन साफ करने के लिए उपकरण के रूप में पसंद करते हैं। नंबर 14, अपने अवन रैक को बाथ टब में साफ करें। सिंक में अवन रैक धोना कष्टप्रद और गंदा हो सकता है, खासकर यदि आपके पास एक छोटा सिंक है। इसके बजाय आप इसे बाथ टब में साफ करें। नंबर 15, टूटे शीशे को ब्रेड के टुकड़े से साफ करें। ऐसा होता है, आप कुछ ज़्यादा ही उत्साह से इशारा करते हैं और आपका वाइन ग्लास नीचे चला जाता है। बड़े टुकड़ों को उठाना काफ़ी आसान है, लेकिन छोटे टुकड़े को इतना नहीं। या वे हैं, आपको बस ब्रेड का एक छोटा टुकड़ा चाहिए। बस इसे ग्लास के ऊपर धीरे से दबाएं और छोटे टुकड़े नरम आटे पर चिपक जाएगा। नंबर 16, अपने कैबिनेट के ऊपरी हिस्से को साफ करने के लिए वैक्स पेपर का उपयोग करें। यदि आपकी ऊपरी अलमारियां और आपकी छत के बीच जगह है तो सतह को वैक्स पेपर की सीट से अस्तर करने पर विचार करें। कागज धूल और गंदगी को इकट्ठा करने के लिए चुंबक की तरह काम करता है। नंबर 17, अपने ब्लेंडर को 30 सेकेंड में साफ करें। अपने ब्लेंडर को लगभग आधा गर्म पानी से भरें, डिश सोप की एक बूंद डालें और फेंटें। यह अपने आप साफ हो जाएगा। यदि आपके ब्लेंडर में बिल्डअप हो गया है या थोड़ा शुष्क दिख रहा है तो आप सिरका या कुछ नींबू की एक बूंद भी जोड़ सकते हैं। नंबर 18, खरोच वाले बर्तनों को नया जैसा दिखाने के लिए टार्टर क्रीम का उपयोग करें। टार्टर की क्रीम की प्रचुर मात्रा के साथ बर्फ स्क्रैच किए गए व्यंजन और वे नए जैसे अच्छे दिखेंगे। बस पानी की कुछ बूंदें डालें और गीले डिश क्लॉथ से धीरे से रगड़ें। डिश को एक या दो मिनट के लिए ऐसे ही रहने दें। रगड़ें और प्लेट को साबुन और पानी से धो लें। नंबर 19, अपने डिशवॉशर में सभी चीज़ें साफ करें। आप पहले से ही जानते हैं कि आप अपने डिशवॉशर का उपयोग डिश सुखाने वाले रैक के रूप में कर सकते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्तन के अलावा कई अन्य चीज़ें भी हैं जिन्हें आप अपने डिशवॉशर में साफ कर सकते हैं? फ्लिप फ्लॉप, हेयर ब्रश, स्पंज, प्लास्टिक के खिलौने। यदि आपको ये किचन टिप्स अच्छी लगी हो या आप ऐसे ही और किसी टिप्स के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको इसी प्रकार की टिप्स तथा जानकारी मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।